हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे एक्सेल में करेंसी टू टैक्स फॉर्मूले के बारे में। जी हाँ, जैसे मुझे अगर अमाउंट को वर्ड में कन्वर्ट करना है, अमाउंट को वर्ड, मैं आपको बता रहा हूँ मैं करना क्या चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे वन लिखा तो यहाँ पे इस तरह का वन आना चाहिए, या फिर अगर मैंने यहाँ पे 100 लिखा तो यहाँ पे 100 आना चाहिए, या 100 रुपीज ओनली, या 100 ओनली, इस तरह के जो कि हम चेक्स पे जब चेक जब काटते हैं, चेक जब बनाते हैं, उस समय जो अमाउंट इन वर्ड लिखते हैं, सो यहाँ होना चाहिए। ये चीजें मोस्टली बिल पे होता है, जब इनवाइसेस वगैरह बनती है, इनवाइसेस वगैरह पे होता है। तो कैसे करें? देखिए, एक्सेल में इसके लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, पहले जान लीजिए, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, बट हम इसको फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करें? तो उससे पहले आपको एक्सेल का हेल्प खोलना पड़ेगा, हेल्प में सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे करेंसी टू टेक्स्ट। करेंसी टू टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 रिजल्ट आया है। टेक्स फंक्शन है कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कीजिए। वैसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कोडिंग चाहिए होगी आपको। अगर आप कोड इसकी कोडिंग नहीं लाएंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी लंबी कोडिंग ना मैं आपको लिख के भी बता सकता हूँ और ना इसको आप याद कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसकी जो कोड्स है, इस कोड्स को आप यहाँ से, जहां से आपको दिखा, ऑप्शन दिखा रहा है, मेन फंक्शन दिखा रहा है, उससे इसको कॉपी करना शुरू कर दे। कहां तक कॉपी करें? नीचे तक, जहां तक एन फंक्शन नहीं आता है, ये इमेज शुरू नहीं होता है, वहां तक इसको सिलेक्ट करके इसको आप कॉपी कर ले। उसके बाद डेवलपर टैब पे आए और विजुअल बेसिक को ओपन करें। अब हो सकता है कि आपके पास डेवलपर टैब ना हो, तो आपके सामने यहाँ शॉर्टकट दिख रहा है आपको, इसलिए आप कर्सर ले आते हैं, शॉर्टकट दिख रहा है जो कि है Alt F11। Alt F11 पे आप प्रेस कीजिए या विजुअल बेसिक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने खुल के आएगा विजुअल बेसिक एडिटर, VVE एडिटर इसको कहा जाता है। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इसको इंस्टॉल करने के लिए गूगल पे सर्च करने लगे, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल के साथ, एमएस ऑफिस के साथ इन बिल्ड होता है। तो इंसर्ट करें, इंसर्ट में आप यहां पे आए मॉड्यूल और उस फॉर्मूले को पेस्ट करें। अब फॉर्मूला पेस्ट करने के बाद ऐसा है कि हो गया, इसमें कुछ चीजें जो है रेड आएगा। होता है क्या है, रेड क्यों आ रहा है, आपको यहाँ पे ऊपर से चलते नीचे की तरफ आते हैं, रेड आएगा, कुछ लाइन रेड में होगा, ऐसे ये रेड आपको दिख रहा है। देखिए, ये जो यहाँ पे जो अंडरस्कोर लगा है ना, अंडरस्कोर यूज किया जाता है दो लाइन को एक लाइन बनाने के लिए, मतलब कि ए इस तरह से नीचे होना चाहिए था, इस तरह से इसके नीचे होना चाहिए। बीवीए के अंदर में कोई भी कोडिंग एक लाइन में लिखी जाती है, लेकिन जब कोडिंग लंबी होती है, बड़ी होती है, तो उसको अंडरस्कोर लगा के तोड़ के नीचे की तरफ दो लाइन किया जाता है। तो जब कॉपी पेस्ट आप करते हैं तो लाइन रिकनाइज नहीं करता है, इस कारण से रेड कलर देता है। तो आप इसी तरह से नीचे देखेंगे कि कितने रेड कलर है, एक यहां भी है, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस गैप है, इसलिए आ रहा है, इसको डिलीट कर दिया। तो सारे रेड कलर आपके हट चुके हैं। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है मुझे 100 को। तो अभी जो है इसको यूज कैसे करेंगे, अब यूज करने की बात करें तो मेन फंक्शन ऊपर देख रहे थे ना, आपका स्पेल नंबर का आपका मेन फंक्शन, इसके जगह पे आप कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बस यहाँ स्पेल नंबर जो आपने दिया है तो जहां जहां स्पेल नंबर कोड में होगा उसको आपको अपने जो दिया है उसमें कन्वर्ट कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट वर्ड, तो मुझे यहां भी सेम अमाउंट वर्ड लगाना पड़ेगा यहां, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मैं अपने एक्सेल शीट पे आता हूं और यहां पे अमाउंट
AMT_word का फॉर्मूला दिख गया, इसमें अपना नंबर डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, $100 एंड नो सेंट आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है डॉलर पे, बट हम इंडियंस हैं, हमारे जो वीडियोज हैं कुछ पाकिस्तान से भी देखते हैं, कुछ बांग्लादेश से भी है, और अलग अलग कंट्रीज में से देखते हैं, 117 कंट्रीज हमारे इस वीडियोज को देखा जाता है, और मुझे जानकर बहुत खुशी है कि 117 देशों के लोग जो है हिंदी समझते हैं। तो इसको डॉलर को हटा के रुपीज या अपने हिसाब का जो लगाए है वो करना है, तो क्या करें, तो यहां आप ऊपर से नीचे की तरफ आए और जहां पे डॉलर दिख रहा होगा उसको रुपीज कर, डॉलर मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमा में, अगर से नो डॉलर आ रहा है तो नो डॉलर हटा दीजिए, मुझकी जरूरत नहीं, यहां पे $1 है इसके जगह पे रुपीज कर दीजिए, यहां भी रुपीज, और जहां पे सेंट है यहां पे एंड नो सेंट, मुझे नो सेंट नहीं शो करना है, मैं नो पैसा नहीं शो करना है, इसको हम ब्लैंक कर देते हैं, और जहां पे 1 सेंट है वहां पे यहां पे पैसा कर देते हैं। और यहां पे भी पैसा कर देते हैं। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए 100 रुपीज, अब रुपीज आया, मुझे रुपीज ओनली करना है, तो आप यहां भी इसको ऐड कर दे सकते हैं, कॉन्कैटेनेट करके ओनली कर सकते हैं, स्पेस दीजिए और यहां पे ओनली दे दीजिए, तो ओनली आ जाएगा, लेकिन आपको ओनली फिक्स करना है, तो यहां जहां पे आपने नो डॉलर किया था, यहां पे रुपीज डॉलर किया था, रुपीज किया था, तो रुपीज के बाद यहां पे ओनली लिख दीजिए, ये आपका ओनली आ जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सी कोडिंग है, इसको कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर इसको हम लैंग्वेज में कैसे चेंज कैसे करें, जैसे क्योंकि ये तो 100 आ रहा है, मैं चाहता हूं ये जो दिखे हिंदी में दिखे कि 100 रुपये और सिर्फ एक मात्र 100 रुपये मात्र, तो आपको जो है एक काम करना होगा, क्योंकि यहाँ जो आपके नीचे देखिए है ना आपका 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 1 2 3 4 में कन्वर्ट करना हो, लेकिन 1 2 3 4 कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मैं करूंगा नहीं, बस मैं आपको बताऊंगा, आपको हिंदी का फॉन्ट रखना होगा कि आपके सिस्टम में हिंदी का कौन सा फॉन्ट है, पहले आप देख लीजिए, नहीं कुर्ती देव नहीं है, आपको अपना हिंदी का फॉन्ट देखना होगा, हिंदी का फॉन्ट नहीं होगा तो आपको डाउनलोड करना होगा, इसमें हिंदी का फॉन्ट डाउनलोड कीजिए और फिर 1 2 3 हिंदी में लिखिए, उसकी जो अंग्रेजी वर्ड है उस वर्ड को लेके यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, इसमें मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को चाहिए तो मुझे वीडियोज में कमेंट कर दीजिए या फिर डायरेक्ट कॉल कीजिए, हम इसके ऊपर भी एक वीडियोज आपके लिए बना देंगे। Thank you.